नमस्कार, आप देख रहे हैं जीसीपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। बढ़ते हैं खास खबरों की ओर। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी रामलीला पाठ का आयोजन साजापुर जिले के ग्राम देवली में किया जा रहा है। आपको बता दें, अद्भुत एवं आकर्षित करने वाले कलाकार इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं एवं राम लक्ष्मण सीता सहित संपूर्ण रामायण के मुख्य बिंदुओं का पाठ पूरे 9 दिनों से किया जाता है, जिसमें आसपास के दर्जनों गाँवों के दर्शक इस अनोखी रामायण का दृश्य देखकर आनंदित होते हैं। राम मंदिर समिति के वरिष्ठ जनों ने बताया कि इस रामायण पाठ का मुख्य उद्देश्य भगवान राम के जीवन काल में एवं उनके आदर्शों के प्रत्येक बिंदु को अपने जीवन में अमल करने के आशय से है। करीब 200 वर्षों से चली आ रही इस विशेष परंपरा को वास्तविक एवं विधि विधान से मां अम्बे के आशीर्वाद से आगे बढ़ाते हुए मंडल और मंदिर समिति काफी प्रयासरत है। कई दिनों सजाना, साउंड डेकोरेशन एवं अन्य कलाकारों और डांसरों को इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाता है। आसपास के दर्जनों गांवों से भरपूर सहयोग मिलता है और हजारों रुपए चंदा एवं भेंट स्वरूप राशि प्राप्त सहयोग मिला है। पहले जो है बाबूलाल जी वर्मा द्वारा एक चबूतरा का निर्माण हुआ, उसके बाद में श्री इंदर सिंह जी राज्य मंत्री है, उनके द्वारा ये जो छत निर्माण है, ये जो छत बनाया गया है, और अभी जो है परसों के दिन श्री कुणाल जी चौधरी आए थे, उनके द्वारा जो है टाइल्स और रेलिंग ये हमने उनको बताई और उन्होंने इसी वक्त जो है इंजीनियर से इसका एस्टिमेट बनाने को कहा कि जो है एस्टिमेट बनाने के बाद तुलसीकृत रामायण पे हम रामलीला का मंचन करते हैं और हमारे पुरखों के द्वारा परंपरा चली आ रही है। 100-150 वर्ष के ऊपर हो गए हैं रामलीला का मंचन होते हुए, पुरखों की परंपरा है, उसको आगे बढ़ाने का हम प्रयास कर रहे हैं। 100 वर्षों से ऊपर हो गए। होती है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए जीसीपी न्यूज के साथ। नमस्कार। ग्रामीण एवं देश विदेश की अनोखी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।